कार्तिक आर्यन ने शाहरुख खान के प्रोडक्शन के अंतर्गत बनने वाली फिल्म छोड़ दी है। अब लोग इस बात के कयास लगा रहे हैं कि क्या उनका करियर खतरे में पड़ गया है। पिछले महीने ही वो करण जौहर के दोस्ताना 2 से बाहर हुए हैं। हालांकि कार्तिक आर्यन जल्द ही भूल भुलैया 2 में नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग कोरोना लॉकडाउन समाप्त होने के बाद एक बार फिर शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वो एक और फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 2 के बाद अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। कार्तिक आर्यन को शाहरुख खान की फिल्म निर्माण कंपनी के अंतर्गत बनने वाली फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने इसे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने साइनिंग अमाउंट भी वापस कर दिया है। इससे रोहित धवन की फिल्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की तैयारी कर ली है और दूसरा लॉकडाउन लगने से पहले वो कई बार मीटिंग भी कर चुके हैं। कार्तिक आर्यन मीडिया में जिस प्रकार फिल्म से निकाले जाने की खबरें उनके बारे में लिखी गई है, उससे नाराज भी हैं। हालांकि उन्होंने इस विषय पर अभी चुप्पी साध रखी है। कार्तिक आर्यन जल्द ही फिल्म धमाका में भी नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन राम माधवानी ने किया है। ये फिल्म OTT पर रिलीज होने वाली है। कार्तिक हंसल मेहता की फिल्म में भी नजर आएंगे। वो आनंद एल राय के साथ भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो नुसरत भरूचा के साथ भी एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। वेल, कार्तिक आर्यन ने कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। उनकी फिल्में काफी पसंद की जाती है।